दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। अब से लेकर रात के ठीक 10:30 बजे तक हम आपको आपकी पसंद के नगमे सुनवाएंगे। और आज के प्रोग्राम में भी हमें सबसे पहले हरभजन सिंह चावड़ा साहब ने लिखा है, लिखते हैं, अंजुम निसार जी व सभी दोस्तों को डोंगरगढ़ से मोहब्बत भरा सलाम व नमस्कार। और आप लिखते हैं, ठंड ने दस्तक दी, दिल है प्यारा, मौसम है और प्यारा आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप इस ठंड में भी हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। मुझे मालूम है कि इस वक्त रात का काफ़ी सन्नाटा होगा, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी है और ठंड तो है ही। कई सारे दोस्तों ने हमें लिखा भी है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो तब्दील किया जाए। वो चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये हमारे वक्त के मुताबिक रात के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ से नष्ट हो। तो मेरी आप सभी लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ आप यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें कि अगर आप भी यही चाहते हैं तो हम इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो ज़रूर तब्दील करेंगे। उसके बाद मुश्ताक हाजी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन्होंने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर मीर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ऋषिनगर शुपियां से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा है, दास्तान फिल्म से, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, सब एंड ऑल प्रोग्राम लिसनर्स फ्राम शब्बीर मीर। आपने एक नगमे की जो फरमाइश की है हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं, आप बने रहें प्रोग्राम में। रज़िया हसन साहिबा हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आप भी हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल लतीफ़ वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। हीरालाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं, गुड इवनिंग। और हमारे मुस्तकिल सामिया सासा मूसा गोपालगंज बिहार से
रामजी प्रसाद भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं आदाब, और डॉक्टर जी एम डार प्रिंस साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं निसार अंजुम भाई, आप और तमाम सामीन को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे एक और दोस्त जावेद अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है। कमल शर्मा साहब हैं प्रोग्राम में शामिल खागरपुर से, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और हमारे मुस्तकिल सामिया, हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होने वाले, हमारे पड़ोस में रहते हैं बिल्कुल कराची पाकिस्तान में, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, खूबसूरत प्रोग्राम में हाज़िरी कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया तजमल साहब। और फ़िलहाल हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा है। ऐ मोहब्बत अपनी सवारी से उतार दे मुझे, ऐ मोहब्बत अपनी सवारी से उतार दे मुझे, बहुत थक गया हूँ तेरे साथ चलते चलते। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, ओ पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, वो शाख ही न रही जो थी आशियां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ओ गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ये शै बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। कई दोस्तों ने हमें लिखा है प्रोग्राम के हवाले से कि हम प्रोग्राम का वक्त जो है, टाइमिंग जो है, वो चेंज करें, तो इसके लिए भी हमें आप सभी दोस्तों की राय चाहिए। अगर आप भी यही चाहते हैं तो आप हमें लिखें,
हम ज़रूर फिर इस प्रोग्राम की जो टाइमिंग है इसको चेंज करेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो यकीनन इस वक्त जो है काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो सर्दी के सबब जो है जल्दी जल्दी सोने चले जाते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर इस प्रोग्राम को हम रात के 9 बजे से शुरू करें तो ठीक रहेगा। आपकी राय चाहिए, आप ज़रूर हमें इस बारे में लिखिएगा। इंतज़ार अंजुम साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप जहानाबाद बिहार से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं आज बड़ी मुद्दत के बाद, वो भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, सुहेल राठिर साहब। आपका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और आपने एक शेर भी लिखा है, लिखते हैं, अभी तक याद कर रहे हो पागल हो तुम कसम से, अभी तक याद कर रहे हो पागल हो तुम कसम से, उसने तो तेरे बाद भी हजारों बुला दिए। बहुत खूब मेरे दोस्त जोगिंदर सिंह बत्रा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप विकासपुरी नई दिल्ली से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। एक नगमे की फरमाइश की है आपने, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। बट सबकतुल्ला हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, मूसा साहब की तरफ से आप सलाम कबूल करें, दिल की गहराइयों से हम उनको मुबारकबाद करते हैं। ये जो हमारे छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे से मूसा साहब हैं, यकीन माने बड़ा अच्छा लगता है जब वो भी हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं, और यकीनन उनका प्रोग्राम सुनना हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो फरिश्ते होते हैं, वो बहुत ही पाक और साफ दिल के होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मूसा साहब आपका। और आप भी अगर कभी अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहें आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। पीर जहांगीर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, अपने एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। पपिंद्र राजपूत साहबा हमारी मुस्तकिल सामिया हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और नासिर अली साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, इंजीनियर मुदस्सिर वानी साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। अमर बख्श साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, मुबशर रोनियाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और एजाज अली साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। पीर जहांगीर साहब ने हमें सलाम भी लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और आप सब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल या फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दिल में तो ये हसरत है तेरे
नजरों से गिरा हूँ तो नजर कैसे मिलाऊं, नजर कैसे मिलाऊं, बदनाम हूँ नाकाम हूँ क्या मुझ में रहा है, ऐ दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी रख में आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। एक बहन हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई है, अंजिल फाइका। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में आज आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, तो आपका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। मीर रमज़ान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, यह हैं अशरफ परी साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और आप लिखते हैं कि आपके हिसाब से, आपकी राय के मुताबिक 9:30 बजे का जो रात का टाइम है वो सही है इस प्रोग्राम के लिए। और जोगिंदर सिंह बत्रा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी इस टाइमिंग को सही लिखा है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, अब्दुल लतीफ़ वानी साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारी बहन ताहिरा जान साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, सभी दोस्तों को आपने सलाम लिखी है, नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। तारिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, तारिक हाजी साहब सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आप पतूशे बांडीपोरा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। लिखते हैं कि आपके साथ आपकी लाडली बेटी अरिबा तारिक और आपके प्यारे बेटे साहब जो हैं उमान तारिक साहब, वो भी हम आपके साथ ही प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपने रफ़ी साहब की आवाज़ में कोई भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। सिबगत ज़ियावर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। शिव कुमार त्रिवेदी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, शिकार फिल्म से आपने एक नगमे की फरमाइश की है, बहुत खूबसूरत नगमा है ये, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। और तजम्मुल अहमदानी साहब लिखते हैं, अंजुम से आपकी टाइम के मुताबिक 8 से 9 का टाइम ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक देने के लिए। सुनीत कुमार राय साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, बिलाल रजाक साहब, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, कल मेरे बेटे तलाल अहमद का जन्मदिन है, मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सोचा उसे एक कीमती तोहफा दूँ, लेकिन ख्याल आया कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर उसे मुबारकबाद पेश किया जाए तो इससे बढ़कर शायद कोई और कीमती तोहफा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, यकीन मानिए आप लोगों का इस कदर इस प्रोग्राम के साथ प्यार करना हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। और हमारी तरफ से भी आपके बेटे को बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। और अब हम एक नगमा सुनते हैं, हमारी बहन अंजल फाइका साहिबा ने इसकी फरमाइश की है, बहुत खूबसूरत नगमा है, सुन पाते हैं आपको। चाहत तो आज भी थी उनके लिए पर किस्मत के हाथों मजबूर हो गए, चाहत तो आज भी थी उनके लिए पर किस्मत के हाथों मजबूर हो गए, देखी जो उनके दिल में अपने लिए बेरुखी, हम उनकी खुशी के लिए उनसे दूर हो गए। आ, 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 आ,
इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा, इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियां वो फजाएं के हम मिले थे जहां, इंतजार आज भी है। दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें। ये क्या कह रहे सागर? न जाने दे दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और आज के प्रोग्राम में भी कई सारे दोस्त जो हैं वो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और
हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, सुनीत कुमार राय साहब। आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। और कुछ दोस्तों के कमेंट्स जो हैं वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुके हैं, तो ऐसे सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश रहेगी जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, वो दरअसल इस वजह से है क्योंकि उनके कमेंट्स मेरे सामने नहीं हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पे कमेंट करें और मैं उनका जो कमेंट है वो पढ़ूँगा। और अगर उन्होंने अपनी पसंद का कोई नगमा भी सुनवाने के लिए लिखा होगा, ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। आरिफा भट्ट साहिबा हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आप भी आज मेरे ख्याल में पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और आपका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और शिव प्रसाद देवदास साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने एक खूबसूरत से नगमे की फरमाइश की है, ज़रूर हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नगमा। और आप छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो आपका हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आमिर अमीन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये नगमा जो है पसंद आ रहा होगा। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं मेहताब जहाद साहब, आपने भी हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और रिहान आरिफ साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। अशरफ परी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। आपने मुकेश की आवाज़ में एक नगमे की फरमाइश की है, सुंबल से आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। अमीरा जान साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, संजय दिघाइया साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, और हमारी इस प्रोग्राम की पहली लिसनर हमारी बहन नौपुरा श्रीनगर से प्रोग्राम में जो जुड़ती हैं शाजिया खान साहिबा, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। परमवीर रावत साहब हमारे मुस्तकिल सामिया भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम दोस्त खैर मकदम करते हैं इस अपने प्रोग्राम में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आदेख मेरी आँख के भीगे हुए मौसम, आदेख मेरी आँख के भीगे हुए मौसम, ये किसने कह दिया कि तुझे भूल गए हैं हम। दीवाना किसी का।
ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके बाकी दोस्त भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और प्रेमदास नायर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, और आप लिखते हैं, अंजुम निसार जी को प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मुबशिर रोनियाल साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, अंजुम सर, योर प्रोग्राम रिमाइंड्स मी ऑफ पीरियड ऑफ 2004 to 2006। और आप लिखते हैं आगे, आई यूज टू लिसन दीज सॉन्ग्स आफ्टर माई अबूजी लेफ्ट फॉर ऑफिस। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इंतज़ार अंजुम साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। अब हम एक खूबसूरत सा नगमा पेश करेंगे। ये नगमा दरअसल हमारे जो एक दोस्त हैं यहाँ पे, उनकी बेटी का जन्मदिन है, ऋषिनगर शुपियाँ से वो हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, तो हम उनके लिए ये खूबसूरत सा जो नगमा है ज़रूर पेश करेंगे, और साथ में एक शेर में उनके लिए पढूंगा। तुम्हारी सालगिरह के दिन पर दुआ है हमारी, तुम्हारी सालगिरह के दिन पर दुआ है हमारी, जितने हैं चांद सितारे उतनी हो उम्र तुम्हारी। सहारे तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। I'm gonna get you।
का ये दिन मुबारक मेरे लाल जिए तू हजारों साल जिए तू हजारों साल तुझको कुछ हो जाए तो क्या हो मेरा हाल जिए तू हजारों साल आजा गले लग जा मेरे राज दुलारे तारे गगन पे तारे तेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे दोस्तों आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे दोस्त शामिल होते हैं। कुछ दोस्त तो ऐसे भी हैं जो बाहर के मुल्कों से या यूँ कह सकते हैं कि फॉरेन से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, और चंद कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो लाइव प्रोग्राम में नहीं शामिल हो पाते हैं क्योंकि उनके और हमारे दरमियान वक्त का बहुत बड़ा फासला, इस हिसाब से क्योंकि जब हमारे यहाँ पर रात होती तो वहाँ दिन होता है और जब वहाँ दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है। तो इस वक्त जो है हम प्रोग्राम तो लाइव कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इस वक्त लोग सोए होंगे और बाद में वो लोग ये हमारा प्रोग्राम जो है हमारी YouTube चैनल पर सुनते हैं और वहाँ पे वो हमें टेक्स्ट करते हैं, मुझे इनबॉक्स में भी लिखते हैं और WhatsApp पे मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम उनका नाम लें। तो उन सभी दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और वो बहुत ही प्यार करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के साथ भी और हमारे साथ भी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुश्ताक अहमद कुल्लू साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, जनाब पत्थर के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा जाना, ये गाना सुना दीजिए नवाजिश होगी। बने रहें दोस्त प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की, बने रहें आप प्रोग्राम में। और अब एक खूबसूरत सा नगमा आपकी नज़र करते हैं। बहुत खूबसूरत नगमा है ये लेकिन पाकिस्तान की मूवी है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क की मूवी है, ये बहुत खूबसूरत आवाज़ बल्कि तरन्नुम नूरजहाँ की आवाज़ में नगमा है, सुनवाते हैं आपको। हमारी बहन रज़िया हसन साहिबा ने इसकी फरमाइश की है। काश कि वो लौट आए मुझसे ये कहने, काश कि वो लौट आए मुझसे ये कहने, तुम कौन होते हो मुझसे बिछड़ने वाले। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार होता जना। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। Thank you.
दोस्तों, आपने मलके तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, कई सारे दोस्त आज हमारे प्रोग्राम में ऐसे भी शामिल हैं जो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। हमारे एक दोस्त, हमारे साथी, हम बहुत ही क्या कह सकते हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं। बड़ी मुद्दत के बाद आज प्रोग्राम में शामिल हुए हैं शेख परवेज शेख साहब। सलाम आपने लिखी है। वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं। माय डियर अंजुम दाइम एंड महरूज की तरफ से भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम दोस्त। और आप लिखते हैं, एनी सॉन्ग रिलेटेड टू किड्स एज माई किड्स आर डिमांडिंग, विद रिगार्ड शेख परवेज, विलीगाम कुपवारा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपके जो नन्हे मुन्ने फूल जो आपकी इस गुलिस्तान में खिले हैं, अल्लाह से दुआ है कि ये फले फूले और बहुत ही बड़े सायादार दरख्त, फलदार दरख्त की सूरत में आपके आंगन में फूलें। और आपने एक नगमे की फरमाइश की है, बल्कि उन्होंने फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपके लिए पेश करते हैं। और यहाँ पे जितने भी सारे दोस्त हैं उन सब से मैं कहूँ कि शेख परवेज साहब जो हैं ये एक उस्ताद हैं, और उस्ताद का एहतराम तो खैर आप सभी जानते हैं उनका मुकाम क्या होता है। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात ये भी है कि ये उस्तादों के जो मसाइल होते हैं उन्हें हल करने में पेश रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हम ज़रूर आपको नगमा सुनवाते हैं, बने रहें प्रोग्राम में। और फिलहाल जो है हम एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं। इस नगमे को हमारे एक भाई ने फरमाइश की है सुनवाने के लिए। ये रही आपकी पसंद। आधा आधा है जो ये सच्चा
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी रकबे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, यह हैं द इम्पीरियर साहब। आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है। आप बानियारी शर्की बांडीपुरा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। शाजिया खान साहिबा ने भी एक नगमे की फरमाइश की है। बनी रहें आप भी प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, परमवीर रावत साहब। आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इस प्रोग्राम में चंद ही ऐसे दोस्त हैं जो प्रोग्राम के शुरू से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ बने रहते हैं। उन सभी दोस्तों का, सभी सामाइन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुल लतीफ़ वानी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है कि मेरे साथ सालिम अहमद और आबी जान और तैबा जान शामिल हैं। बहुत पसंद करते हैं आपकी आवाज़ को मेरे बच्चे अंजुम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इस प्रोग्राम को सुनते हैं और उसके बाद आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। आपके जो नन्हे फरिश्ते हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, ये हमारे लिए एक एजाज से कम नहीं है। तो अब हम उन्हीं फरिश्तों के लिए एक नगमा पेश करेंगे। जी हाँ, शेख परवेज़ साहब ने दरअसल इस नगमे की फरमाइश की है, बल्कि उनके जो बच्चे हैं उन्होंने इस नगमे की फरमाइश की है कि कोई सा भी एक ऐसा नगमा हम पेश करें जो छोटे बच्चों के साथ मुंसलिक हो। तो बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हम आपके लिए पेश करेंगे। जी हाँ, ख़ास तौर से छोटे हमारे जो या इस प्रोग्राम में छोटे छोटे जो बच्चे हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, एक छोटे से बच्चे हमारे मूसा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, वो भी इस नगमे को सुनेंगे। और एक शेर आपके लिए पेश करता हूँ। जी हाँ, मैं वो शम्मा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद ही पिघल जाऊँगी। मैं वो शम्मा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद ही पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूं शाम डल जाऊंगी। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद मन जाए फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे।
दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 10:24:40 हुए हैं। तो अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है। तो प्रोग्राम के आखिर में हम आपके लिए एक खूबसूरत सा नगमा पेश करेंगे। हमारे एक दोस्त ने इसकी फरमाइश की है, मुकेश की आवाज़ में ये नगमा है। और हमारे प्रोग्राम में प्रेमदास नायर साहब, द एम्पीरियर साहब, मेहताब गौर साहब, भट्ट सबकतुल्ला साहब, जोगिंदर सिंह बत्रा साहब, शाजिया खान साहबा, रजिया हसन साहबा, ताहरा जान साहबा और परमवीर राज साहब, अरबन सिंह चबड़ा साहब, अशरफ परे साहब, अब्दुल लतीफ़ पानी साहब, आप सब हमारे प्रोग्राम में प्रोग्राम के आखिर तक शामिल हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन जिन दोस्तों का, जिन बहनों का पसंदीदा नगमा आज के प्रोग्राम में वक्त की कमी के सबब शामिल नहीं हो पाया, उन सब से मेरी गुजारिश है कि कल आप प्रोग्राम में शामिल होइएगा। तो कल हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर शामिल करेंगे। कुछ दोस्त हैं, कुछ बहनें हैं हमारी जो हमसे शायद इस वजह से नाराज़ हैं, तो उनके लिए एक शेर कहूँगा। रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर, रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर, क्या खबर थी वो इस कदर खफा हो जाएगा। सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रात हमें सोने
बदलने रास्ता अपना घटाए मेहरबानी से के यादों की ये बरसाते हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती सहानी